तो मेरे भाई, अगर आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो कि यार फ्री फायर में किस टाइप के टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो डालूं अपने चैनल पे ताकि मेरा चैनल ग्रो हो, तो यार मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस छोटी सी वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं एक दो टॉपिक नहीं बहुत सारे टॉपिक्स बताने वाला हूं, जिसमें से आप कोई भी एक टॉपिक या फिर पूरे के पूरे टॉपिक्स पर आप बना सकते हो वीडियो। तो बिना देरी करे चलिए बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ, मगर उससे पहले आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो मुझे कमेंट सेक्शन में बिना झिझके जरूर बताना। तो मेरे भाई, पहला टॉपिक है रोस्टिंग। अब रोस्टिंग किस लिए, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। जहां भी आप फ्री फायर की गंदगी दिखे आपको, आप फटाक से उठाओ, रिसर्च मारो, और आपका सॉल्यूशन में अगर वो गलत कर रहा है तो फटाक से उसे रोस्ट कर दो। मगर आपको बेवजह किसी को भी रोस्ट नहीं करना है, वरना फ्री फायर की पब्लिक अगर आपकी ये चोरी पकड़ लेगी तो वो भैया आपको सीधा एक्सपोज कर देगी। हमारा दूसरा टॉपिक है न्यू इवेंट। यार जब भी गरीना न्यू इवेंट देती है तो आप पहले से ही उस इवेंट के बारे में या तो लोगों को बता दो फ्री फायर के ऑडियंस को, या फिर जैसे ही वो इवेंट आता है तो उसे कैसे कंप्लीट करना है वो सभी चीजें, वो तरीका बताओ आप, या फिर कुछ भी नया चीजें होने वाली है या फिर आने वाली है जो चीजें, उसके बारे में पहले से आप अपडेट दे दो अपनी फ्री फायर ऑडियंस को। और तीसरा टॉपिक है फ्री फायर के फैक्ट्स। जी हाँ, अगर आप अपने चैनल पे ऐसी चीजें डालोगे जो फ्री फायर में होती तो हैं मगर फ्री फायर ऑडियंस को पता नहीं है, ऐसी चीजें आप बताओगे ना तो आपका चैनल बहुत ही जल्दी बूम करेगा। चौथा टॉपिक है टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपकी स्किल बहुत ही ज्यादा शानदार है तो अपने चैनल पे आप टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो जरूर डाला करो, जैसे हेडशॉट से रिलेटेड, फास्ट मूवमेंट, फास्ट एक्यूरेसी, फास्ट ग्लू होल, जैसे ना जाने कितने टिप्स एंड ट्रिक्स आप अपने चैनल पे वीडियो बना के डाला करो यार, ये भी बहुत ही ज्यादा चलता है। और हमारा पांचवा टॉपिक है इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हो तो आपको फ्री फायर के साथ साथ बाहर फ्री फायर की जो ऑडियंस खेलती है, यानी कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स और फ्री फायर के ऑडियंस जो अभी आ रही है, उनके बारे में भी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आपको ऐसी चीजें बतानी है जो बहुत ही ज्यादा यूनिक हो, ऐसी चीजें बताओगे तो आपका चैनल बहुत ही ज्यादा बूम करेगा, क्योंकि ऐसी चीजें भी फ्री फायर के ऑडियंस बहुत ही ज्यादा देखती है। सिक्स्थ टॉपिक है फ्री फायर सजेशन। जी हाँ, आप सजेशन दे सकते हो, जैसे कि अभी के टाइम पे गनों में चिप लग रही है, जैसे M10 में, स्कार में, अगर AWM में भी लगती तो क्या होता यार, ऐसे जैसे आप ऐसा सजेशन दे सकते हो, अगर ऐसा भी होता तो क्या होता है, ये चीजें में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है पब्लिक, और जिससे आपका चैनल बूम कर सकता है। सेवंथ टॉपिक है फ्री फायर कॉन्टेंट। जी हाँ, अगर आपका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा शानदार है, अगर आप क्लचेस निकाल लेते हो तो भैया इन सभी चीजों की वीडियो डाला करो। सबसे बड़ा उदाहरण है नॉन स्टॉप गेमिंग। भाई उनके सारे के सारे प्लेयर्स 1v4 क्लच करते हैं और आप देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा पब्लिक देखती है उन्हें। हमारा आठवां टॉपिक है फ्री फायर वीडियो एडिटिंग। जी हाँ, अगर आपकी वीडियो एडिटिंग बहुत ही ज्यादा मैक्स लेवल है, बहुत ही ज्यादा यूनिक है, तो भैया ऐसी चीजें भी बहुत ही ज्यादा देखते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नया देखने को मिलता है एडिटिंग में, तो ऐसा चैनल भी बहुत ही जल्दी बूम करता है। तो यार अब आपकी बारी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इन आठों टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हो या फिर बनाओगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बिना झिझके जरूर बताना। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, 9 टॉपिक भी बता देता हूँ। देखो, 9th टॉपिक है डायमंड। जी हाँ यार, ये सबसे घटिया टॉपिक है, क्योंकि इसी चीज ने हमारे फ्री फायर को पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया और हमारा फ्री फायर बैन करवा दिया। फ्री फायर मैक्स चल रहा है लेकिन फ्री फायर बैन करा दिया। यार ये टॉपिक पे आप कभी भी जिंदगी में वीडियो मत बनाया करो। बाकी याद से नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।